आज केजरीवाल जी जेल में। केजरीवाल जी ने तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई है। केजरीवाल जी ने अपने धर्म का पालन पूरी ईमानदारी और शिद्दत से की है। आज मुझे ये लगता है अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, दिल्ली के 2 करोड़ जनता के ऊपर है, दिल्ली के हर परिवार के ऊपर है। पूरी दुनिया देख रही है जिस केजरीवाल ने दिल्ली के हर परिवार के लिए इतना कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। केजरीवाल जी ने अपने अपने सारे मंत्रियों को दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया, सरकार दांव पे स्टेक पे लगा दिया, खुद जेल चले गए, लेकिन जनता के लिए संघर्ष करने से रुके नहीं। आज पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली की तरफ कि क्या होगा दिल्ली में, कैसे होगा दिल्ली में। जिस केजरीवाल ने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया, दिल्ली की जनता उसको कैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। दोस्तों, जिस ईमानदार राजनीति को दिल्ली ने जन्म दिया था, उस ईमानदार राजनीति पे संकट लाने की षड्यंत्र करके उसे खत्म करने की साजिश रची जा रही है। तो जब दिल्ली ने ही इसे जन्म दिया था तो दिल्ली की जिम्मेदारी बन रही है इसकी रक्षा करने, इसकी सुरक्षा करने। अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छा स्कूल कहां से रहेगा? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो अच्छे अस्पताल कहां से रहेंगे? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो घर में पानी कैसे आएगी? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो महिलाओं में बस में यात्रा फ्री कैसे हो? अगर केजरीवाल जी नहीं रहेंगे तो आपके परिवार की खुशी की ध्यान कौन रखेगा? केजरीवाल जी ने अपने एक अच्छे बेटे का धर्म निभाया, एक अच्छे भाई का धर्म निभाया, एक अच्छे शासक का धर्म निभाया। आज जिम्मेदारी हमारी है, हम सब की है, पूरी दुनिया हमारे तरफ देख रही है। अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज एक कैंपेन का लॉन्च कर रहे हैं, इस कैंपेन का नाम है जेल का जवाब वोट से। जेल का जवाब हमें और किसी तरीके से देने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने सीने में, अपनी छाती में, सब इस बात को रखें जो दुख है, दर्द है, अपने छाती में रखें, और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन इसका जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। सभी जनता से निवेदन करते हैं कि वो खुद भी इस मुहिम में शामिल हों और अपने जान पहचान, रिश्तेदार, भाई बंधु सबको बताए कि केजरीवाल को आज दिल्ली में मजबूत करना ज़रूरी है। अगर केजरीवाल मजबूत नहीं रहेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? तो इस कैंपेन के तहत सारे एक एक घर में, एक एक मोहल्ले के एक एक घर में जाएंगे, एक एक घर में जाके जनता से बात करेंगे, उनको समझाएंगे। वो खुद इस बात से बहुत व्यथित है और दुखी हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं। अब इस पूरे संघर्ष को एक अभियान में बदलेंगे और जेल का जवाब वोट से देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।